तो चलिए, हम लोग बात कर रहे थे ये विज्ञान या बायोलॉजी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और उनके आंसर्स। तो अभी तक हम लोग 200 क्वेश्चंस ख़त्म कर चुके थे। 201 से बात करनी थी हमें। 201 का क्वेश्चन है, गॉल्जी काय का प्रमुख कार्य क्या है? गॉल्जी काय का प्रमुख कार्य है स्रावी। क्या होगा? बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है हमारा दूसरा, क्या है क्वेश्चन नंबर दूसरा है, किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? तो याद रखना, कोशिका भित्ति, कोशिका भित्री, ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है तीसरा, क्या है, कौन सा अंगक फ्रेया जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है? तो ये है आपका लवक। क्या है? लवक। क्वेश्चन है हमारा अगला चारवा, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है? तो ये आपका माइटोकांड्रिया। क्या होगा? बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है पांच, कोशिका एवं आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? कोशिका व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। क्या है? हैदराबाद में आपका सही। क्वेश्चन है हमारा छठवा, क्या है, जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम आपके पुरकिंजे ने किया था। किसने? पुरकिंजे ने। क्वेश्चन है सात, क्या है क्वेश्चन, कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियाँ किसके द्वारा नियंत्रित होती है? तो ये होती हैं आपकी केंद्रक द्वारा। किस द्वारा? केंद्रक द्वारा। क्या होगा? बी ऑप्शन सही होगा इसमें। क्वेश्चन है हमारा आठ, क्या है क्वेश्चन आठ, जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है या किसका कथन है? तो ये है आपका हक्सले का कथन है। क्वेश्चन है हमारा नौवा, क्या है, फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है? फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है क्रोमोप्लास्ट। क्या होगा? सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है दस, पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है? पत्तियों को हरा रंग क्लोरोप्लास्ट प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा ग्यारह, कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है? तो यह आपको लाइसोजोम, लाइसोसोम। ठीक है। क्वेश्चन है बारह, जीवन का भौतिक आधार है, जीवन का भौतिक आधार है प्रोटोप्लाज्म। डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है तेरह, न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम आपके ब्राउन ने की थी। क्वेश्चन है हमारा तेरह, चौदह सॉरी, माइटोकांड्रिया किस में अनुपस्थित होता है? माइटोकांड्रिया आपका जीवाणु में अनुपस्थित होता है। क्वेश्चन है हमारा पंद्रह, भोजन का अनिवार्य अनिवार्य अवयव है कार्बोहाइड्रेट। क्या है? कार्बोहाइड्रेट। क्वेश्चन है हमारा सोलह, क्या है क्वेश्चन नंबर सोलह, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है? तो ये आपका कार्बोहाइड्रेट। डी ऑप्शन सही है। क्या है? डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है सत्रह, क्या है क्वेश्चन नंबर सत्रह, कैप्सूल का आवरण बना होता है? कैप्सूल का आवरण आपका स्टार्च का बना होता है। किसका? स्टार्च का। क्वेश्चन हमारा अठारह,
शहद का प्रमुख घटक है, शहद का प्रमुख घटक है फैक्टोज। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 19, क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? तो याद रखना ग्लूकोज। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 20, क्या है? शहद में मुख्यतः क्या होता है? तो शहद में मुख्यतः आपका कार्बोहाइड्रेट होता है। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। क्वेश्चन है हमारा 21, क्या है? 21वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है? तो आपका कार्बोहाइड्रेट सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है। क्वेश्चन है 22वां, क्या है क्वेश्चन? मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है ग्लाइकोजन में। ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 23, क्या है? एथलीट को निम्नलिखित में से किससे जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है? तो याद रखना कार्बोहाइड्रेट से। क्वेश्चन है हमारा 24, क्या है? शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? तो इसका होता है प्रोटीन से। ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 25, एंजाइम मूल रूप से क्या होता है? एंजाइम मूल रूप से होता है प्रोटीन से। क्वेश्चन है हमारा 26, सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत होता है? सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत होता है 42% के करीब। क्वेश्चन है 27, किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है? किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है? तो याद रखना चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता है, दाल में पाया जाता है, दूध में पाया जाता है, मांस में पाया जाता है, लेकिन चावल में नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन है हमारा 28, क्या है? निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? सोयाबीन में। किसमें? सोयाबीन में। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 29, क्या है क्वेश्चन नंबर 29? शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन पाते हैं, शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन पाते हैं दालों से। क्वेश्चन है 30, मानव शरीर में वसा जमा होती है, ये होती है वसा ऊतक पर, क्या होगा? सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है 31, विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया? तो ये थे आपके फंक। ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 32, निम्नलिखित में से किस में ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है? तो याद रखना आपकी ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है विटामिन में, प्रोटीन से होती है, कार्बोहाइड्रेट और वसा से प्राप्त होती है। तो 32 में आपका ए होगा। क्वेश्चन है 33, निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? तो याद रखना विटामिन को, क्या कहा जाता है? रक्षात्मक पदार्थ। क्वेश्चन है हमारा 34, क्या है क्वेश्चन नंबर? गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? गाजर में विटामिन ए पाया जाता है, क्या? ए। बी ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 35, मानव शरीर विटामिन ए संचित रहता है यकृत में? ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 36, क्या है?
रतौंधी का मुख्य कारण किस विटामिन की कमी से होता है? तो याद रखना, विटामिन ए की कमी से। किसकी? विटामिन ए की कमी से। क्वेश्चन है हमारा 37। थायमिन, थायमिन क्या है? तो ये आपका विटामिन B1। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 38। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम है स्कर्बिक अम्ल। डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 39। किसी सब्जी से प्राप्त ना होने वाला विटामिन कौन सा है? तो ये आपका विटामिन D। ये आपका मछली के यकृत तेल से और सूर्य से भी हमें विटामिन D प्राप्त होता है। क्वेश्चन है हमारा 40। प्रातःकालीन सूर्य में, प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? तो ये आपका विटामिन D। कौन सा? विटामिन D। क्वेश्चन है 41। क्या है? मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है? मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है? तो याद रखना, पालक से। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 42। मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन का कितना प्रतिशत होता है? याद रखना, 50%। क्वेश्चन है 43। निम्नलिखित में से कौन सा आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है? तो याद रखना, शैवाल। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 44। मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है? याद रखना, विटामिन D की। किसकी? विटामिन D की। क्वेश्चन है 45। विटामिन D के सृजन में निम्नलिखित में से कौन सा पाया जाता है? कैल्सीफेरोल। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 46। विटामिन का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरोल, विटामिन D का। क्वेश्चन है 47। मानव शरीर में रक्त का धक्का किस विटामिन से बनता है? तो यह आपका विटामिन K। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 48। दांतों में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है, क्या होता है? तो याद रखना, कैल्शियम। क्या होता है? कैल्शियम। क्वेश्चन है 49। निम्नलिखित में से किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ है? तो ये आपका फ्लोरीन। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 50। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आवश्यक है? तो ये आपका पोटेशियम। क्वेश्चन है 51। सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? यह आपका आयोडीन का। क्वेश्चन है हमारा 52। पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? यह आपका आयरन। क्वेश्चन है 53। क्या है? निम्नलिखित में से किसकी कमी से दंत क्षय होता है? निम्नलिखित में से किसकी कमी से दंत क्षय होता है? तो याद रखना, फ्लोरीन। ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 54। किसमें भरपूर लोह तत्व पाया जाता है? तो याद रखना है, हरी सब्जियों में। किसमें? हरी सब्जियों में। क्वेश्चन है हमारा 55। इनमें से वसा कौन विलेय नहीं होता है? वसा, इनमें से ये विटामिन आपके वसा में विलेय कौन सा नहीं होता है? तो याद रखना, विटामिन B। विटामिन A भी होता है, विटामिन C और D।
लेकिन विटामिन बी नहीं होता। क्वेश्चन है 56, जापानी एनसेफेलाइटिस का कारक कौन सा है? तो याद रखना विषाणु, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 57, ईईजी से जिस अंग की कार्य प्रणाली प्रकट होती है वह है मस्तिष्क, ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 58, केसीन दुग्ध होता है प्रोटीन, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 59, किस तत्व की कमी के कारण गहंगा रोग हो जाता है? तो आपको याद रखना आयोडीन, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 60, मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करता है, तो याद रखना विटामिन ए। क्वेश्चन है 61, निम्नलिखित में से कौन सा रोग रक्तदान द्वारा नहीं फैलता है? तो आपका ये टाइफाइड नहीं फैलता है, बाकी हेपेटाइटिस भी फैलता है मलेरिया में। क्वेश्चन है 62, कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त रेडियो आइसोटोप है CO60, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 63, मिनामाता रोग का कारण है पारा, क्या है पारा? क्वेश्चन है 64, सनशाइन विटामिन है आपका डी, क्या है? डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 65, क्या है क्वेश्चन है 65, पीत ज्वर संचारित किया जाता है, तो याद रखना AEDs द्वारा। क्वेश्चन है हमारा 66, निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक है? तो ये आपका डिप्थीरिया, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 67, निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रया वायु के माध्यम से फैलता है? यह है आपका प्लेग, ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 68, निम्नलिखित में से विटामिन कौन सा है? तो याद रखना फॉलिक अम्ल, ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 69, छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो याद रखना विटामिन सी निकल जाता है। क्वेश्चन है हमारा 70, निम्नलिखित में से कौन सी प्रोटीन दूध में पाई जाती है? तो याद रखना कैसिन पाई जाती है। क्वेश्चन है हमारा 71, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास मिठास आ जाता है? लैक्टोज के कारण, डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 72, मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो याद रखना 206। क्वेश्चन है हमारा 73, क्या है? नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या होती है 208। क्वेश्चन है हमारा 74, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? मनुष्य की खोपड़ी में 8 अस्थियां होती हैं। क्वेश्चन है 75, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? याद रखना है 12, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 76,
शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि कौन सी है? शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि है जबड़े में। क्वेश्चन है हमारा 77। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो यह है आपकी स्टेपिस। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 78। मानव शरीर के सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो यह आपकी फीमर। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 79। निम्नलिखित में से कौन सा मानव के पैर की हड्डी नहीं है? तो याद रखना ह्यूमरस नहीं है, फीमर है, फेबुला है, टीबिया है। तो इसमें क्या होगा 79 में? डी। क्वेश्चन है 80। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी है, खोखली होती है। ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 81। टीबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? याद रखना टांग में। क्वेश्चन है 82। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो याद रखना जांग की। डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 83। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत दो बार विकसित होते हैं? मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत दो बार विकसित होते हैं? तो याद रखना ये हैं आपके 20। कितने? 20। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 84। क्वेश्चन क्या है 84? मानव शरीर में पाचन की अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? पाचन का अधिकांश भाग आपका छोटी आंत में संपन्न होता है। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 85। मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचन एंजाइम नहीं है? टेप्सिन है, पेप्सिन भी है, ट्वाइलिन भी है, गैस्ट्रीन नहीं है। क्या होगा? डी ऑप्शन सही होगा 85 में। क्वेश्चन है हमारा 86। क्या है क्वेश्चन नंबर 86? मानव शरीर में निम्नलिखित हार्मोनों में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फॉस्फेट फॉस्फेट को विनियमित करता है? तो ये आपका परावटु हार्मोन। डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 87। क्या है? मानव की पाचन नली लगभग कितनी फीट लंबी होती है? तो याद रखना 32। क्वेश्चन है हमारा 88। मुख में मंड का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? टाइलिन द्वारा। ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 89। पाचन तंत्र हिस्सा नहीं होता है, पाचन तंत्र हिस्सा नहीं होता है, कॉर्निया पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं होता है, यकृत होता है, आंत होता है, पित्राशय होता है, लेकिन कॉर्निया नहीं होता है, ये आंख का हिस्सा है। ठीक है। क्वेश्चन है हमारा 90। दूध दुग्ध प्रोटीन को बचाने वाली एंजाइम है, ये आपका रेनिन। क्वेश्चन है 91। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? छोटी आंत से। क्वेश्चन है हमारा 52। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? ये आपका टाइलिन। क्वेश्चन है हमारा 93। क्या है? पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? तो याद रखना एंजाइम की। डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन
क्वेश्चन है हमारा 94। मुख से निकली लार किसका पाचन करती है? स्टार्च का। क्वेश्चन है हमारा 95। निम्नलिखित में से किस अम्ल की उपस्थिति मानव पेट में होती है? तो याद रखना हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 96। प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? प्रोटीन का पाचन आपका उदय से प्रारंभ होता है, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 95। 96 हो गया, 97 क्वेश्चन नंबर। पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो याद रखना एमिनो अम्ल में, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 98। पचे हुए भोजन में मौजूद विषैली पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? तो यह है आपका यकृत, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 99। पित्त निम्नलिखित में से किसके द्वारा पैदा होता है? यकृत द्वारा, ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 300 बार। पित्त रस जो होता है ये जमा कहाँ होता है? पित्ताशय में, बी ऑप्शन सही है। तो चलिए ये थे आपके 300 क्वेश्चन। 301 से हम लोग आगे बात करेंगे।